सारा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो गेम का चस्का। स्कूल के बाद गट्टू और चिंकी घर आए। चलो बच्चों, खाना तैयार है, जल्दी हाथ पैर धो लो, स्कूल से आते ही भूख लगी होगी ना? हाँ मम्मी, बहुत जोर की भूख लगी है और आज तो आपने छोले भटूरे बनाए हैं। उफ, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू आएगी ही, मैंने इतने प्यार से जो बनाए हैं तुम दोनों के लिए। चलो जल्दी बैठो, खाना ठंडा हो जाएगा फिर मजा ही नहीं आएगा। हाँ मम्मी। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मम्मी उन्हें प्लेट में छोले भटूरे निकाल कर देती है। चिंकी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर गट्टू का ध्यान खाने पर नहीं था। मम्मी, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन? तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन? बस चाहिए, आप बताइए ना कहाँ है। पहले ये बताओ कि क्यों चाहिए। आप नहीं समझोगी। वाह बेटा, ये क्या बात हुई। चिंकी, इसे क्या हुआ है? उसे वो गेम खेलना है मम्मी, बिल्कुल फोन मत देना उसे। माइंड योर ओन बिजनेस चिंकी, एक नया गेम आया है, इसके सब दोस्त आज बात कर रहे थे उसके बारे में, वो गेम फोन पे खेलते हैं। अच्छा, ये कौन सा गेम है बताओ जरा। मम्मी, वो एक कार रेसिंग गेम है, जूम जूम एक्स। उसमें बहुत सारी फास्ट कार्स है, जैसे कि फरारी, बगाटी, जिससे आप खेल सकते हैं। मेरे सब दोस्त वही गेम खेल रहे हैं मम्मी, मुझे भी खेलना है। खाने के बाद थोड़ी देर खेल सकता हूँ ना, प्लीज मम्मी प्लीज। ठीक है खेल लेना गेम, अभी खाना तो खाओ। थैंक यू मम्मी, आप सबसे अच्छी हो। मम्मी, इसकी बात मत सुनो, ये भी फोन से चिपक जाएगा, फिर इससे किसी की नहीं सुनेगा। मम्मी चिंकी को नादान समझकर हंसने लगती है। गट्टू खाने के बाद मम्मी से फोन ले लेता है। देखो गट्टू, अभी 2 बजे हैं, मुझे 3 बजे फोन वापस चाहिए, समझ गए तुम? हाँ मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, दे दूंगा। हाँ मम्मी, एक और घंटा प्लीज, मैं अभी एक लेवल आगे आ गया हूँ, 4 बजे पक्का फोन वापस कर दूंगा। ऐसा करते करते घड़ी में 7 बज जाते हैं और गट्टू चिंकी के पापा ऑफिस से घर आते हैं। अरे आप घर आ गए, प्लीज जरा गट्टू को समझाइए, दोपहर से मेरा फोन लेके बैठा है, वापस देता ही नहीं है। गट्टू, मम्मी का फोन वापस कर दो, गेम खेलते रहोगे तो आंखें खराब हो जाएगी गट्टू। और होमवर्क किया कि नहीं? चिंकी, क्या इसने आज होमवर्क किया? नहीं पापा, घर आते ही फोन पे गेम शुरू। गट्टू, फोन मुझे दे दो, जाओ होमवर्क करो, आज से तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। सुनो, इस फोन में पासवर्ड लगा दो। यहाँ गट्टू गुस्सा नहीं कर पाएगा। शाम को गट्टू और चिंकी होमवर्क करते हैं, पर गट्टू के मन में बस गेम की बातें ही चल रही थी। गट्टू, तुम भूत लग रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? चिल्लाओ मत चिंकी, मेरा सर दुख रहा है। तुम पूरे टाइम फोन में लगे हुए हो, नींद भी पूरी नहीं होगी अच्छे से तो स्कूल कैसे जाओगे? गट्टू, तुम्हें क्या हुआ है, बीमार हो क्या? पूरे टाइम जूम जूम एक्स खेल रहा था, इसीलिए ऐसा दिख रहा है ये। बाप रे, ये सिर्फ गट्टू ही कर सकता है, मम्मी पापा ने डांटा नहीं, मैं भी जूम जूम एक्स का भक्त हो चुका था, पर मम्मी पापा अब मुझे फोन नहीं देते। मम्मी पापा ने फोन पर पासवर्ड लगाया था, पर गट्टू ने ढूंढ निकाला। ये बात तो सही कही तुमने। अच्छा, आज फ्राइडे है, आज सब पार्क में मिल रहे हैं शाम को खेलने के लिए, ठीक है? तुम दोनों आ रहे हो ना? यस यस यस, फिर मिलेंगे हम लोग। चलो गट्टू, खेलने जाते हैं, आज सब होंगे बाहर, हरी, पिंकी, बन्नी, गुड्डी, सब। चलो ना, चलते हैं, चलो चलो चलो। चिंकी, मुझे परेशान मत करो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। चिंकी चौंक जाती है, क्योंकि गट्टू हमेशा खेलने के लिए तैयार रहने वाले लड़कों में से था। चिंकी को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे गट्टू की चिंता होने लगती है, वह थोड़ी नाराज होकर खेलने चली जाती है। अगले दिन गट्टू फिर से फोन पे गेम खेल रहा होता है, अचानक गेम के स्क्रीन पर एक अलर्ट आता है,
उसमें बड़े लाल अक्षरों में लिखा होता है, गेम अपडेट प्लीज वेट। गट्टू फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे गेम ही खेलना था पर अपडेट की वजह से उसे रुकना होगा। गेम अपडेट होने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या करूं? अरे यार, जाके देखता हूँ चिंकी क्या कर रही है। मम्मी, चिंकी कहाँ है? अरे तुम फोन से बाहर आ गए? चिंकी तो बाहर खेलने गई है दोस्तों के साथ, पार्क में हरी है शायद। तुम भी जा रहे हो? हाँ मम्मी, मैं जाता हूँ। अरे गट्टू, तुम आ गए? हमें लगा था तुम गेम के बाद हमें भूल गए हो। हमें तो लगा था जूम जूम एक्स ने हमारी जगह ले ली है। हाँ, मुझे भी। चलो, हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तुम नए आए हो ना, तुम हमें पकड़ो, भागो सब, भागो। गट्टू सबके पीछे भागने की कोशिश करता है पर उसे भागने के लिए शक्ति नहीं मिल रही थी। वो बहुत स्लो भागता है, उसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। बहुत दिन के बाद खेलने की वजह से धूप उसकी आंखों को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत पसीना भी आने लगता है और सांस फूलने लगती है। गट्टू कमजोरी की वजह से ग्राउंड पर गिर पड़ता है। सब दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो भागकर उसे उठाने जाते हैं और गट्टू रोने लगता है। गट्टू, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? नहीं चिंकी, मुझे इतना कमजोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कभी खेल नहीं पाऊंगा। मेरा क्या होगा चिंकी? ओफो गट्टू, ये तो होना ही था। रात को सोते नहीं, खाना नहीं खाते, दिन रात गेम खेलते हो तो कमजोरी ही आएगी ना। कोई बात नहीं गट्टू, हम तुम्हें फिर से पहले जैसा स्ट्रांग और हैप्पी बना देंगे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें खानी पड़ेगी हरी भरी सब्जियाँ। हमारे साथ खेलना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए बहुत अच्छी नींद और ढेर सारा विटामिन डी, जो तुम्हें मिलेगा सूरज की किरणों से। और सबसे इम्पोर्टेंट गट्टू, तुम्हें गेम खेलना कम करना पड़ेगा। गट्टू को बुरा लगता है पर उसे पता है कि चिंकी की बात सही है। तुम सही कह रही हो चिंकी, मुझे गेम खेलना कम करना होगा। गट्टू सच में चिंकी और दोस्तों की बात मानकर घर जाकर फोन नहीं लेता। मम्मी उसे खाने में टेस्टी भिंडी की सब्जी और रोटी देती है, जो वो खुशी से खा लेता है। वो उस रात टाइम पे सोता है। गट्टू के मम्मी पापा उसे आराम से सोता हुआ देख के हंसने लगते हैं। स्कूल में रिसेस के दौरान फिर से एक नए गेम की चर्चा हो रही थी। ये गेम एक फैंटेसी गेम है जिसमें जादूगर और ड्रैगन्स हैं। क्या सच में? क्यों गट्टू, फिर गेमिंग भूत बनने का इरादा है क्या? हाँ, पर रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक बार। गट्टू, तू नहीं सुधरेगा।